अक्सर लव अफेयर्स में क्या कहते हैं, लैंग्वेज में कहते हैं ना, आई फॉलन इन लव. फॉलन इन लव मीन्स वॉट? फॉल. फॉलन, सच में आप फॉल, आप गिर जाते हैं. बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने चरित्र से गिरते हैं, अपने कैरेक्टर से गिरते हैं, अपनी मॉरल स्टैंडर्ड से गिरते हैं, अपनी फैमिली वैल्यूज से गिरते हैं, अपने अपने रिश्तों की मर्यादाओं से नीचे गिर जाते हैं. What is here? ये ग्लास जा रहा है विद वॉटर. लेट से दिस इज योर मेमरी जार, दिस इज योर संस्कार जार. वेदांत की लैंग्वेज में कहीं ये संस्कारों का जार है आपके, राइट? अब मान लीजिए, लेट से आपने किसी के साथ अफेयर किया, लव अफेयर किया, या कोई आपने कोई सेंशुअल सेक्शुअल एक्टिविटी की, आपने अपने फैमिली फ्रेंड से छुपा लिया, यू हाइड इट, आपने हाइड किया इस एक्टिविटी को. और या फिर हमें कहें आपने कोई बहुत सेंशुअल पॉर्न वीडियो देखी, और देखने के बाद क्या करते हैं आप, इंटरनेट ऑप्शन पर जाकर, सेटिंग्स पर जाकर सर्च हिस्ट्री और कुकीज को डिलीट कर देते हैं आप. आप डिलीट कर देते हैं और अब आप सोचते हैं कि मैंने तो अपने सारे पाप धो दिए, किसी को कुछ नहीं पता चलने वाला. आप ऐसे ही सोचते हैं ना, चिल्लैक्स, नोबडी वुड कम टू नो. लेकिन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारा ये जो इनर नेट है ना, इनर नेट, वो इंटरनेट का डिलीट ऑप्शन है, लेकिन इस इनर नेट में कोई डिलीट ऑप्शन नहीं होता. इस इनर नेट में ये जो संस्कार जार है ना, मेमोरी जार, इसमें कोई डिलीट ऑप्शन नहीं होता है. और अभी देखिए, अभी प्रेजेंटली मैं इसको, ट्रांसपेरेंट है ये जार, इसमें सब कुछ देख पा रही हूँ, आई कैन सी थ्रू इट ऑल द कलर्स ऑफ लाइफ. लेकिन जब आप अपने इस इनर नेट के साथ खिलवाड़ करते हैं, कुछ देखते हैं गलत या करते हैं गलत, इट्स लाइक एडिंग कलर टू इट. लेट्स एड कलर ऑफ पैशन, रेड. यू आर एडिंग कलर टू इट. नाउ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इफ आई लुक थ्रू इट, अब क्या हो रहा है, व्हेन आई एम लुकिंग थ्रू इट, ऑल्दो आई कैन सी थ्रू इट, लेकिन हर बात, हर चीज अपने रियल फॉर्म में नहीं दिख रही है मुझे. इट हैज स्लाइट टिंज ऑफ रेडनेस टू इट. रेडनेस की एक टिंज है इसमें, हर मेरे हर व्यू में अब टिंज है, राइट? एंड नाउ सपोज यू कंटिन्यू डूइंग दैट सेक्सुअल एक्टिविटी अगेन एंड अगेन, यू कंटिन्यू वॉचिंग अ स्पॉन वीडियो अगेन एंड अगेन, देखे जा रहे हैं आप, इट इज लाइक एडिंग मोर एंड मोर कलर, मोर एंड मोर कलर, मेकिंग द शेड डार्कर एंड डार्कर, डार्कर एंड डार्कर. और अब इफ आई सी थ्रू इट, इफ आई सी थ्रू दिस जार, यू नो वॉट इज हैपनिंग, I cannot see anything in its real and you know pristine form. अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर हर चीज पर एक रेड कलर की कैमोफ्लैजिंग हो जाएगी. आप देखिए, हर चीज की एक रेड कैमोफ्लैजिंग है, हर चीज पर एक रेड परत चढ़ गई है, ऐसा हो जाता है. एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस स्टेट टू बी इन, वेरी डेंजरस स्टेट. मैं क्यों कह रही हूँ इसको, समझें, हो सकता है आज समझना है, सालों बाद जिंदगी में समझ आए, रजिस्टर करें ब्रेन में ये बात, अभी हो सकता है ना समझ आए. आप जब ऐसे करते रहते हैं और अपने संस्कार जार को कलर करते रहते हैं इन एक्टिविटीज से, तो होता क्या है, आपकी हर थॉट, आपका हर पर्सपेक्टिव, आपका हर नजरिया अब इसी कलर से, इसी सेंशुअलिटी सेक्सुअलिटी से होकर गुजरने लगता है, इसी के रंग में रंग कर गुजरने लगता है. You live in your own self-created virtual world, far away from realities. आप अपनी वही गलत सोच, ख्याली, गलत ख्यालों की दुनिया में खोए रहते हैं. आपकी हर सोच उसी direction में जाती है. It's a very pathetic state. Where, and therefore, brothers and sisters, अक्सर love affairs में क्या कहते हैं? Language में कहते हैं ना, I've fallen in love. Fallen in love means what? Fall. फॉलन, सच में आप फॉल, आप गिर जाते हैं. बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने चरित्र से गिरते हैं, अपने कैरेक्टर से गिरते हैं, अपनी मॉरल स्टैंडर्ड से गिरते हैं, अपनी फैमिली वैल्यूज से गिरते हैं, अपने अपने रिश्तों की मर्यादाओं से नीचे गिर जाते हैं. और अगर मैं योग और वेदांत की लैंग्वेज में कहूँ, तो आपकी बॉडी में जो लोएस्ट पार्ट है आपकी शरीर का, योग कहता है यहाँ पर लोएस्ट पार्ट में एक मूलाधार चक्र होता है, द चक्र ऑफ सेंशुअलिटी एंड सेक्सुअलिटी.
आप बेसिकली आपकी जो मेंटल एनर्जी है इस चक्र में जाकर गिर जाती है, योग ऋषियों ने कहा। एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेट मी टेल यू, हमने जितने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूथ को वी हैव काउंसिल्ड इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, आई विल टेल यू, इफ योर मेंटल एनर्जी इज फॉलन टू दिस मूलाधार चक्र, यू कैन नेवर बी एथिकली एंड स्पिरिचुअली करेक्ट। आप कभी सही डिसीजन एथिकली नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कार जार में तो वही भर गया ना, अब हर चीज वहीं जा रही है। तो देयरफॉर आई वुड से यू आर फिजिकली हर्ट, यू आर बॉडीली हर्ट, यू आर एथिकली हर्ट, यू आर स्पिरिचुअली हर्ट, यू आर इमोशनली हर्ट, सेंटिमेंटली हर्ट, साइकोलॉजिकली हर्ट, इन जस्ट वन शॉट ऑफ क्यूपिड एरो, सेंसुअलिटी एंड सेक्सुअलिटी। कई दिनों बाद मेरा दिल ये सोचकर रो दिया, आखिर ऐसा क्या पाना था मुझे जो मैंने खुद को ही खो दिया। ये पछतावा, ये गिल्ट, ये रिपेंटेंस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होती है व्हेन यू ग्रो अप एंड यू लुक बैक यूथफुल इयर्स, आप सोचते हैं क्या कर रहा था मैं, क्या कर रही थी मैं, क्यों खो रहा था मैं अपने आप को, कितना खोया है मैंने उन सालों में, अगर मेहनत करता या करती क्या बन जाते और क्या खो दिया इस नॉनसेंस में, ऐसा पछतावा होता है। इट हैपन्स एंड देयरफॉर क्यों पढ़ना, आप बताएं, आपने डिसीजन लेना है, अब हमने आप पर छोड़ना है सब कुछ, वेदर इट इज ओके और नॉट, इज इट ओके, यस और नो? नो, इट इज नॉट ओके, इट इज नॉट ओके। सो अब लेकिन जो पढ़ चुके हैं उनके लिए भी एक छोटा सॉल्यूशंस देकर जाएंगे। कुछ लोग हैं पढ़ चुके होंगे, आई बिलीव, है ना, कुछ को एडिक्शन हो चुकी होगी, देखने की भी हो चुकी होगी। विल गिव यू क्विक टिप्स ऑफ सॉल्यूशन टुडे। टिप नंबर वन, अवॉइड दैट प्लेस, दैट सिचुएशन एंड दैट पर्सन विच स्ट्यूमुलेट्स केमिकल एक्साइटेशन, जितना अवॉइड कर सकें। आपको लगे आप कहीं किसी हेमिस्फेयर में आए हैं, वहाँ केमिकल एक्साइटेशन हो रही है ड्यू टू अ पर्सन और अ प्लेस और अ सिचुएशन, लीव दैट स्पेस, ट्राई टू चेंज योर एनवायरमेंट, इट हेल्प्स। बचाना है ना अपने आप को, कुछ बनाना है तो इतना सा तो एफर्ट त्याग करना पड़ेगा, लीव दैट स्पेस और इमीडिएटली चेंज योर एनवायरमेंट। टिप नंबर टू, ट्राई स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जब आप लोनली होते हैं ना, अकेले कहीं अपनी दुनिया में, तब आते हैं ये ख्याल कि कुछ गलत वलत देख लें या फेर तफेर कर लें। स्पेंड क्वालिटी टाइम, जिंदा दिली से जिएं अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, दादी के साथ बैठ के बात करें, शी इज़ वेरी एडोरेबल, दादी दादा दे आर वेरी एडोरेबल, व्हाई डोंट यू टॉक टू देम, ओके? सो स्पेंड क्वालिटी टाइम टू विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। टिप नंबर थ्री, वर्क हार्ड ऑल थ्रू द डे, मेहनत करें। आप लोग टाइम टेबल बनाते हैं अपना और उस टाइम टेबल में आप डालें, मुझे इतने से इतने बजे ये करना है, इसके बाद ये ऐसे ऑल कंज्यूमिंग टाइम टेबल। और अगर आपका जो एकेडमिक स्टडी है, कोर्स है, इट इज नॉट कंज्यूमिंग योर टाइम, योर इंटरेस्ट, योर अटेंशन कंप्लीटली, देन लर्न अ स्किल, लर्न अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लर्न अ लैंग्वेज, ज्वाइन सम गुड कोर्स दैट एड्स वैल्यू टू योर लाइफ एंड करियर। जब पूरे दिन भागते दौड़ते रहेंगे, बिजी रहेंगे, हैपनिंग रहेंगे यूथफुल एनर्जी के साथ, तो फिर कहाँ इन होपलेस बातों में ध्यान जाएगा, नहीं जाएगा फिर ध्यान। इसलिए बिजी रखें अपने आप को। रात को भी जब आप सोएंगे थक कर, द मोमेंट योर हेड विल रेस्ट ऑन द पिलो, तो कुछ वो पौन तौन देखने का ख्याल नहीं आएगा, हिम्मत ही नहीं होगी, यू विल स्लीप लाइक बेबी, आराम से शांत, एक इतनी कॉन्शियस को इतनी शांति रहेगी, इतना अच्छा लगेगा, आई एम डूइंग समथिंग फ्रूटफुल। एक जो लोग होते हैं ना, चोर लेकर घूमते हैं आँखों में गिल्ट का, आपने सबने सोचा होगा, देखा होगा, जो ऐसा काम करते हैं एक चोर लेकर घूमते हैं अंदर। लेकिन जब आप पूरे दिन मेहनत करते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पज, अपनी लाइफ को, करियर को बिल्ड करने के लिए, आपकी कॉन्शियस बहुत सुकून से जीती है, बहुत अच्छा लगता है, खुल के हंस पाते हैं आप जिंदगी को, खुल के जी पाते हैं आप, किसी से मुंह नहीं छुपाते, आंखें नहीं छुपाते फिर आप। इसलिए वर्क हार्ड ऑल थ्रू द डे। एंड देन टिप नंबर फोर, गो फॉर हायर पर्पस इन लाइफ। देखिए, दिस हार्ट हैज टू बी गिवन टू समवन और समथिंग। आप ये दिलो दिमाग को अपने पास संभाल कर नहीं रख सकते, यू हैव टू गिव इट टू समथिंग और समवन, देन व्हाई नॉट गिव इट टू सम हायर कॉज, हायर मिशन, हायर रियलिटीज इन लाइफ। कुछ ऊंचा क्यों नहीं सोचे हम,
कुछ ऊंचा क्यों ना करें. टुडे आई फील सो प्राउड इन शेयरिंग विद यू दैट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड लैक्स ऑफ यूथ इज अ पार्ट ऑफ डीजेजेस फैमिली एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज होलीनेस डिवाइन गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर पीस. कोई हमारे ड्रग डी एडिक्शन कैंपेन को चैनलाइज कर रहा है, कोई इन्वायरमेंट कंजर्वेशन कैंपेन को चला रहा है, कोई ये जो मंथन जो हमने बस्तियों में स्कूल खोले हैं वीकेंड्स पे जाके पढ़ाता है वहाँ पर कल्चरल प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वेयर दे आर स्प्रेडिंग पीस. दिस इज यू नो द आइडिया इज देयर आर फार फार मोर कंस्ट्रक्टिव थिंग्स टू डू इन लाइफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. बहुत कुछ कर सकते हैं देन दिस यू नो सेक्शुअल नॉनसेंस आई एम टेलिंग यू. एंड लास्ट टिप is this is most scientific permanent solution meditate through brahma gyan's way. aapne ek kahani suni hai kamdehan. lord shiv was sitting in mountain kailash. kamdev approached him. wo jaise apni lust arousing arrow shoot karte hain na unhone mahadev par bhi apna arrow chala diya teer chala diya. what happened mahadev third eye opened emitted fire and burn down Kamdev. This is a very symbolic story. It means हम सबके शरीर में इस पार्ट पर यहाँ at forehead third eye है, subtle third eye. And this third eye is also called as pineal gland scientifically speaking. ये pineal gland में इतना potential है brothers and sisters. अगर ये pineal gland activate हो जाए then it can burn down all lustful urges in us. It can burn down. How to activate it? ब्रह्म ज्ञान साइंस इज द मेथड. ब्रह्म ज्ञान से ये एक्टिवेट हो सकता है. सो विद दिस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई वुड कंक्लूड एंड आई विल लीव यू विद अ पावरफुल स्टेटमेंट बाय स्वामी विवेकानंद. राइज बाय द पावर ऑफ स्पिरिट नॉट बाय द पावर ऑफ फ्लैश. थैंक यू सो मच.